पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी से बात करते हैं हम। प्रतीक्षा दफ्तरी को फंड मैनेजर है एक्विटास की। आपको पता होगा सिद्धार्थ भैया जो हैं, जो वहाँ के फाउंडर हैं, वो आते रहते हैं आपके चैनल पे बातचीत करने के लिए आए दिन। और आपके फेवरेट फंड भी हैं वो, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है उनका लास्ट एक साल तीन साल में। तो प्रतीक्षा भी उन्हीं की टीम से हैं और आज पहली बार ETNO स्वदेश पे हमारे साथ बातचीत में शामिल हो रही हैं। प्रतीक्षा, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रतीक्षा, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मिड कैप स्मॉल कैप की। डॉक्टर साहब, अगर आप लास्ट एक साल का चार्ट लेके आए मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए, वो डेढ़ साल से करेक्टिव फेज में, और इंडेक्स लेवल पे तो करेक्शन अब हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं टॉप से, अब आपको वैल्यू नज़र आ रही है वहाँ पर? आई थिंक ब्रॉडर सेंस में वैल्यू नहीं नजर आ रही है, बट देर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स पॉकेट्स हैं जहां पे काफी वैल्यू क्रिएट हो गया है। काफी सारे क्वालिटी कंपनीज हैं जहां पे अर्निंग्स आउटलुक बहुत अच्छा है, जहां पे मैक्रो टेलविंस है, तो उस एरिया में जहां पे वैल्यू आ गया है, काफी सारा स्कोप है फॉर मार्केट री रेटिंग, वो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया है। जगहों पे आपको मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू दिख रही है, बट पूरे एरिया में अभी नहीं। बाजार पे क्या व्यू है, आपको लगता है ये करेक्टिव फेज थोड़ा और जारी रह सकता है जो फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, या रफली बॉटम फॉर्मेशन का फेज शुरू हो गया है? आई थिंक बॉटम फॉर्मेशन, मतलब टाइम करना या बॉटम पिक करना, ये तो एक ये कोशिश ही वेस्ट एक्सरसाइज है, पर इन टर्म्स ऑफ पेन आई थिंक मार्केट में अभी काफी पेन है, बिकॉज मैक्रो इंडिकेटर्स काफ़ी ग्लोबली नेगेटिव है, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स है, एंड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस कारण, इन्फ्लेशन के कारण काफ़ी चैलेंजिंग और वॉलेटाइल टाइम्स दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट में पेन काफ़ी टाइम तक हो सकता है। तो पेन तो काफ़ी इस वक्त है, और क्लियरली मार्केट में जो हम बेयर ग्रिप टाइट होती देख रहे हैं, इसके चलते काफ़ी हद तक कंसर्न्स भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन मेटल सेक्टर पर आपका नज़रिया जो है, उससे पीछे के रैशनल आप क्या बताएंगे? क्योंकि करंट लेवल्स पर अगर देखें, कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट है जो कि मेटल स्टॉक्स पर भी पड़ता दिख सकता है। पिछले कुछ दिनों में जहाँ बाजार में कई सारे फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव प्ले आउट कर रहे थे, बेस मेटल्स को अगर आप देखें, प्रेशियस मेटल्स को अगर आप देखें, वहां पर एक्शन बढ़ता दिखा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पैक्ट। मेटल सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा हमारा ऐसा व्यू है दैट द सेक्टर्स दैट बेनिफिट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, बेसिकली इन्फ्लेशन गोइंग अप, उन पे हमारा पॉजिटिव व्यू है दैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमारे हिसाब से कंटिन्यू रहेंगे। ओवरऑल प्राइसिंग प्रेशर हर जगह है। आई थिंक अभी तक जितने नंबर्स आए हैं ग्लोबली, इन्फ्लेशन कहीं पे भी कम होता नजर नहीं आया है। सो वी आर पॉजिटिव ऑन सेक्टर्स जहाँ पे ये बेनिफिट करेगा। आई थिंक डिमांड स्पेशली इन द डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे सेक्टर्स में अभी भी हमको कहीं पे भी डिमांड स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। इफ़ यू सी आर मैक्रो नंबर्स, तो IIP नंबर्स सब काफ़ी स्ट्रांग आया है, तो उसके चलते हमको लगता है दैट प्राइसिंग प्रेशर्स, आई मीन डिमांड विल सपोर्ट द प्राइस हाइक्स गोइंग अहेड। आफ्टरनून प्रतीक्षा, एक अच्छी खासी करेक्शन की शुरुआत तो हो गई है बाजार में, इंडियन मार्केट्स में। अगर आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट हमारी बहुत स्ट्रांग है, एवरेज एक रिटर्न इस साल के लिए निफ्टी पर क्या अज्यूम करना चाहिए? और अब साथ ही जैसे क्वार्टर फोर भी स्टार्ट हो जाएगा, सो निफ्टी अर्निंग्स Q4 के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आई थिंक निफ्टी में काफी प्रेशर बना रह सकता है बिकॉज मोस्ट टॉप लीडर्स इन द निफ्टी राइट नाउ आउटलुक इतना स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक लास्ट सिक्स मंथ्स निफ्टी में काफी प्रेशर रहा, 5-6% नेगेटिव रहा है निफ्टी, एंड आई थिंक वो कंटिन्यू रह सकता है। काफी सेलिंग प्रेशर ओवरऑल भी है बिकॉज ऑफ फॉरेन फंड्स, एंड डोमेस्टिक में भी अदर एसेट क्लासेस आर इमर्जिंग। काफी मतलब फंड फ्लो माइट बी शिफ्टिंग और इतना स्ट्रांग ना रहे, सो निफ्टी पे प्रेशर बना रह सकता है। मैं देख रहा हूँ कि आपका एक्सपोजर या आपने जो बुलिश व्यू लिया है, ऑफकोर्स एक तो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है जिसके बारे में बात कर रही थी मानसी आपसे कि आपका मेटल पे क्या व्यू है, बट ये कैपिटल गुड स्टॉक्स या इन कैपेक्स प्ले जैसे पावर इंजन जो होते हैं उसमें ऑयल कंपनीज, लुब्रिकेंट, या फिर
कुछ और इंडस्ट्रियल मशीनरी रिलेटेड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा हैं, क्या वो आप नाम ऐड करेंगे इस गिरावट में? उन्हीं में आपको लगता है कि स्टोरी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट है? आई थिंक केपेक्स साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग है, बजट बहुत सपोर्टिव रहा फॉर कैपिटल गुड्स, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. गवर्नमेंट फोकस, पॉलिसी फोकस क्लियरली दिख रहा है. एंड ये वो सेक्टर है जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में ज्यादा कुछ कैपेसिटी एडिशन हुआ नहीं है. सो ये सेक्टर में जहाँ जहाँ वैल्यू इमर्ज होगा, जहाँ जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इमर्ज होगा, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा इन दीज सेगमेंट्स. ऑलराइट प्रतीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए. लेकिन